इन जवानों कैसे हो आप सभी दोस्तों। एसएससी जीडी में जो हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही थी उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आकृति इमेजेस पढ़ने वाले हैं। दोस्तों हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि ये चैप्टर आपको एक या दो नंबर का इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज का चैप्टर है बाकी चैप्टर से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इस चैप्टर से कम 4 से 5 क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आज की वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। अगर आपका टारगेट है कि रीजनिंग में मुझे 25 में से 25 स्कोर करना है तो इस क्लास को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है ना सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है, ठीक है। 5 नंबर तक भी यहां से पूछ लिए जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करें उससे पहले छोटी सी बात करना चाहूंगा, सिर्फ सोच इतनी शक्तिशाली होती है जो सही और गलत में भेद कर सकती है। जो आपकी सोच होती है ना वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है, वो सही और गलत में भेद कर सकती है, या आपको पता कर सकती है कि ये सही है या गलत है। जो व्यक्ति को ऊपर उठा और नीचे गिरा सकती है, ये आपकी सोच है कि आपको ऊपर भी उठा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सोच लिया कि मुझे इस बार जीडी करनी है, इस बार मुझे फौजी बनना है, तो आपको आपकी सोच है वो आगे ले जाएगी, आपको पढ़ने के लिए पुश करेगी। और आपने सोच लिया कि होगा तो ठीक है वरना तो नहीं है, तो आपको जो आपकी जो सोच है ना वो आपको नीचे ले जाएगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सोचते हो कि मुझे फौजी बनना है या बन जाएंगे तो ठीक है वरना नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कमेंट करके बता देना आप कौन से वाले हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले क्या होगा, कागज मोड़ना और कागज काटने वाला देखते हैं किस तरीके से है। तो पहले कागज मोड़ना देख लेते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा और उसमें यह आकृति दी हुई है। इस आकृति में दिया गया और बोला गया कि ये बीच में इसका जो डॉट डॉट लिखा हुआ है इसका मतलब है कि यहां से कागज को मोड़ा गया है, ठीक है। बात समझ में आ गई, जहां पे ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि यहां से जो पेपर है उसको फोल्ड किया गया या कागज को मोड़ा गया है। तो मोड़ने के बाद इनमें से कौन सी आकृति बनेगी ये हमें बताना है। ये ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें से हमें बताना है कौन सा होगा। तो देखिये सबसे पहले आप क्या करना, आपको स्टूडेंट के दिमाग में आएगा सर इसको ऊपर मोड़े या नीचे मोड़े। तो देखिए मोड़ने वाले में से आप कहीं पे मोड़ सकते हो, चाहे आप ऊपर मोड़ो चाहे आप नीचे मोड़ो, यानी कि इधर से चाहे आप इधर करो या इधर से चाहे आप इधर करो, इससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ने वाला। तो अगर देखिए इसको इधर करते हैं या इसको इधर करते हैं सेम रहेगा, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये वाला इसके पार्ट में चला जाएगा, प्लस ये वाला है इसमें चला गया, ये वाला इसमें आ जाएगा गोला और ये इधर आ जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से बताता हूं, टेंशन मत लेना। जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा हम छोड़ने वाले नहीं है, थोड़ा जूम और कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये इधर है तो ये इस सिद्ध में है, आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो कि इसके सामने है, ठीक है। तो ये इसमें चला जाएगा तो गोले के अंदर प्लस आ जाएगा आपका, ये इसमें जाएगा तो वर्ग में आपका प्लस, इधर भी वर्ग में प्लस। तो जिस भी आपके ऑप्शन में दिख रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं पहले ऑप्शन में इधर गोला और प्लस बिल्कुल सही है, इसमें और इसमें प्लस ये सही है, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी क्या आकृति वाले में कि आपको ऑप्शन काटने हैं, तो इसमें पहला निकल गया, वरना आप ऑप्शन भी काट सकते हो। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सेम है तो ये हो ही नहीं गा। इसमें प्लस वाला निशान नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ये वाला निशान नहीं है, ठीक है। तो ये तो अलग हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। अब धीरे धीरे आप खुद निकालना शुरू कर देना, आप निकालना शुरू कर देना, ठीक है। देखिए क्या है इसमें हमें बताना है, नीचे से ऊपर मोड़ो या ऊपर से नीचे मोड़ो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन को काटना सीखेंगे। तो ऑप्शन को सीखेंगे तो पहले ऊपर नीचे से ऊपर मोड़ लेते हैं, तो मतलब यहाँ पे आपका ये जो चौकोर है वो होना चाहिए। इसमें यहां पर चौकोर नहीं है, उल्टा करके लिखा गया है तो ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, इसमें और इसमें है, ठीक है। अब इस चौकोर में ऊपर जाएगा तो गोला जाएगा, इसमें है गोला, इसमें भी आपका गोला है, यानी कि वर्ग के अंदर आपका स्क्वायर के अंदर आपका वर्ग आएगा, तो ये है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखिए ये जो आपका गोला बना हुआ है या आप जिसको जो भी बोलो, इसके अंदर ये चतुर्भुज आएगी जो थोड़ी तिरछी है, मतलब सीधी नहीं लिखी हुई है, ठीक है। इस तरीके से नहीं है, ये किस तरीके से बनी हुई है, ये आपकी इस तरीके से बनी हुई है, ये इस तरीके से होगी। तो इसमें बिल्कुल सीधी है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें सही है तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आ गया, ये तो बाकी तो सेम था इसमें, लेकिन इस गोले के अंदर ये त्रिभुज आप देख रहे हो, ये वाली त्रिभुज होनी चाहिए और ये वाली त्रिभुज किसमें है, इसमें है, ना कि इसमें, इसमें नहीं है उसमें है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी दो तो पहले ही आपके डिलीट हो चुके थे, ठीक है। आगे चलते हैं,
आगे देखिए इसको करना है, तो ये तो बड़ा सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है, ये तो बड़ा आसान, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसको इधर करोगे तो ये वाला है इधर बीच में आ जाएगा, ये वाला इधर बीच में आ जाएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यही है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरी चीज ऐसे भी काट सकते हो, इसमें पांच है, चार चार पहले से बने हुए थे, देखिए चार पहले से बने हुए हैं, एक या पांच है, इसमें तीन है, होगा नहीं, पांचों एक सीध में तो पहले से ही नहीं, नहीं होगा, इस तरीके से भी नहीं है तो भी नहीं होगा, तो आपका कौन सा बच गया, ये वाला बच गया, और ये वाला ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये पांच नंबर है ना, चार पांच नंबर आपको धरे हुए मिलेंगे, मतलब इतना इजी और कोई चैप्टर नहीं होगा जितना ये है। ठीक है, अगर समझ गए तो बिल्कुल इजी है, समझ गए तो बिल्कुल इजी है, और आप फौजी हो, ठीक है, आपके लिए सारी प्रॉब्लम है बिल्कुल आसान हो जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें हमें बताना है, तो सबसे पहले ऑप्शन को डिलीट करते हैं, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्या इसके पीछे नीचे बिंदु है, नहीं है इसमें, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि एक के नीचे नहीं है। अब इन दो में हमें चेक करना है, चेक करेंगे, देखिए ये इधर आएगा या इधर आएगा, तो ये दोनों क्या होंगे, इसके ऊपर, ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये इसके ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से बनेगा। इसमें चार है, नहीं बनेगा, इसमें दो है, यही आपका बनेगा, और यही हमारा यहाँ पे बना है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन डिलीट करने से आपके लिए इजी बन जाता है, क्योंकि दो तो वैसे ही डिलीट हो जाते हैं, कभी कभी तीन भी डिलीट हो जाते हैं, दो डिलीट हो गए तो दो में चेक करना होता है, तीन डिलीट हो गए तो चौथा तो आपका आंसर बच ही गया। ठीक है, यही चीज हमें देखनी होती है। आगे चलिए देखते हैं इसमें हमें बताना है, तो देखिए चाहे आप इसको इधर करो चाहे इसको इधर करो, अगर इसको इधर करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा, ये वाली लाइन इस तरीके से है, इस वाले पार्ट में आनी चाहिए, या इसको इधर करेंगे। ठीक है, इसको ऑप्शन के हिसाब से देख रहे हैं हम, इसको इधर करके लिखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इधर करके लिख देंगे, इसको इधर लिखेंगे तो ये हमारा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से, इसमें नीचे वाला खाली है, इसमें ऊपर वाला खाली है। ठीक है, इसमें दोनों मिल गए, नहीं होगा क्योंकि दोनों लाइनें अलग है, इसमें इस तरीके की लाइनें हैं, ठीक है, ऊपर वाले में इस तरह की लाइनें हैं, तो ये नहीं मिलेगा, तो ये भी आपका क्या हो गया, सॉरी ये गलत हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तीन ऑप्शन क्या हो गए, आपके डिलीट हो गए, चौथा ऑप्शन क्या बच गया, आपका आंसर बच गया। आगे देखिए इसमें हमें बताना है, इसमें क्या है, इधर ऑप्शन देख के पता कर सकते हो, कभी कभी ऑप्शन से पता चल जाता है। ठीक है, कि कौन सी तरफ आपको मोड़ना है, अब इधर वाला नहीं है, इधर वाला है तो इसको इधर ही मोड़ना है, तो इधर मोड़ेंगे तो बिल्कुल सेम है, इस साइड भी बिल्कुल सेम है, इस साइड भी बिल्कुल सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। इस तरीके की डिजाइन बन रही है, नहीं बन रही हमारी डिजाइन, क्या इस तरीके की डिजाइन बन रही है, बिल्कुल, क्योंकि बीच में हमारी त्रिभुज बनी हुई है, इसमें नहीं है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और देख सकते हो यहां पर, देखिए ये जो त्रिभुज वाला बना हुआ है, इसमें भी ये बना हुआ है आपका। ठीक है, फिर इसका इस तरीके से है तो इसमें इस तरीके से है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बाकी तीन तो डिलीट हो गए, चौथा तो आपका आंसर निकल गया। ठीक है, और ये आपके एसएससी में पूछे गए सारे सवाल मैं आपको करवा रहा हूं ताकि आपको मोटिवेशन भी मिलता रहे। आगे देखिए क्या है इसमें हमें बताना है, तो इसमें हमें बताना है इसको इधर आएगा। ठीक है, इसको इधर करके लिखा गया क्योंकि इस वाले खाने में लिखा गया है, तो इधर होगा, तो इधर होगा, तो ये तो नहीं हो सकता, ये बड़ा ये छोटा है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता दोनों। अब देखिए यहां पर क्यों नहीं हो सकता, ये वाला क्यों नहीं हो सकता और ये वाला क्यों होगा, आपको देखना है, क्योंकि देखिए ये छोटा है और ये बड़ा आपका लिखा गया, तो ये आएगा तो इसके अंदर आ जाएगा, बिल्कुल फिक्स नहीं होगा इसमें, तो ये नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, तो आ गई, तो आ गई आंसर आ गया। ये क्वेश्चन देखिए मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं, तो इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आपसे हमेशा पूछता हूं, आपको पता है, तो कमेंट करके जरूर बताना। आप सभी चैंपियंस हो और चैंपियंस कभी भी घबराते नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है, इसका आंसर करना है। देखिए मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा, इसको इधर करके लिखना है, तो बस आपको क्या करना है, जो ये वाला बना हुआ है ना, यही आपको बताना है, बस ये इधर उठ के कौन से में आएगा, ये वाली लाइन तो है, ठीक है, ये वाली लाइन तो इधर ही रहेगी, ये ऊपर की तरफ रहेगा, तो इसमें और इसमें तो नहीं होगा, ये और इसमें तो नहीं होगा, अब ये वाला इधर है, इसमें और इसमें है, अब आपको आंसर बताना कि ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी। आपका आधा क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, तो बस आपको देखना है कौन सा होगा और वही आपका आंसर हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में बता देना। आगे चलते हैं, आगे क्या है, अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, अब तक तो हम कर रहे थे कागज मोड़ना,
ठीक है। अब आता है कागज काटना, मोड़ने वाला भी आता है आकृति, वो हम कर चुके। अब करेंगे कागज काटना, कागज काटने पे किस तरीके से बनेगी इसको ध्यान से देखना, ये अलग टाइप का आ गया है। तो इसको कागज को पहले इधर से इधर मोड़ा गया, जो ये आपको एरो करके दिखा गया इसका मतलब इधर मोड़ा गया, फिर इसको इधर मोड़ा गया, फिर इसको इधर मोड़ के इस तरीके से लिखा गया। तो देखिए क्या है कि ये वाली जो त्रिभुज ये हमें डी बनी हुई दिखाई दे रही है त्रिभुज के अंदर, तो इसको ओपन करेंगे तो ये यहां पर भी डी बनेगी, कागज मोड़ा गया है। तो सबसे पहले कौन से ऑप्शन में इस तरीके की डी है, ठीक है, डी का थोड़ा डिजाइन खराब हो गया हमारा, ये इस तरीके से, ठीक है, इधर भी होगी इधर भी होगी। पहले चेक करते हैं इसमें नीचे नहीं है, इसमें नीचे है लेकिन देखिए ऐसी बननी चाहिए, ठीक है, ऐसी बननी चाहिए। मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं ताकि आपको रियल डिजाइन दिख जाए, ठीक है, थोड़ा जूम भी कर देता हूं, ठीक है, ये इस तरीके की बननी चाहिए। इसमें है नहीं है, इसमें उल्टी है तो ये नहीं होगा, इसमें डी नहीं बनी हुई है, टच हो रही है इसमें टच नहीं है, ऊपर है तो ये नहीं होगा। अब कौन सा बच गया, ये वाला बच गया, यही आपका आंसर हो गया। अब हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, चेक करोगे तो देख लेना दो डी है, इसको ओपन करोगे तो यहां पर डी चला जाएगा और इसको ओपन करोगे तो उधर डी चला जाएगा, तो ये इस तरीके से आपकी आकृति बन जाएगी। बात समझ में आ गई, छोटी सी चीज आप पकड़ जाओगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि पहली टाइप पहले क्वेश्चन में समझ में नहीं आती, नई टाइप करते ना पहले क्वेश्चन में नहीं समझ में आती, दूसरे क्वेश्चन से समझना शुरू हो जाता है, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए उससे आपको समझना शुरू हो जाएगा। इसमें हमें बताना है, इसमें बताना सभी, देखिए ऊपर से नीचे फिर इधर से इधर और फिर इसको यहां पे काटा गया है, इस तरीके से इसको काटा गया और बताना कैसे होगा। तो देखिए इस तरीके से इसको काटा गया और ये इधर जाएगा तो ये इस तरीके से इधर भी बनेगा और इसको इधर ओपन करेंगे ये इधर भी बनेगा और इसको ओपन करेंगे इधर भी बनेगा, ये इस तरीके से बन जाएगा आपका। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है, ना ही ये ऑप्शन हो सकता, ठीक है, ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। ये दो ऑप्शन तो हमने डिलीट कर दिए। अब इन दोनों में से हमें चेक करना है कि कौन सा होगा। ये बिल्कुल सीधा है लेकिन ये हमारा बिल्कुल सीधा नहीं बनेगा, थोड़ा तिरछा बनेगा, तो ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सीधा नहीं बनेगा। देखिए यहां पर आप चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इधर है तो ये बिल्कुल इसके सामने बनेगी इधर, ठीक है, फिर ये इधर बनेगा और ये इधर बनेगा, बिल्कुल सीधा नहीं बनेगा, इसमें बिल्कुल सीधा दिया हुआ है, ये वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल सीधा दिया हुआ है, ऐसे ऐसे नहीं बनेगा, ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। बात समझ में आ गई, तो क्या रीजन है जिसकी वजह से सी ना होकर बी है, ये बात आपको समझ में आ गई। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको समझ जाओगे तो पेपर में गलती नहीं होगी। बात समझ में आ गई ना, ये दो तो हमारे पहले ही गलत हो चुके थे, इसमें और इसमें हमें देखना था, तो ये क्यों गलत हो गया, ये बिल्कुल सीधा है, ठीक है, और हमारी आकृति वो बिल्कुल सीधी नहीं है, ये इधर से और ये इधर से और ये आपकी इधर से, इस तरीके से बनेगी थोड़ी सी तिरछी, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आने लग गया ना, अगली अगले क्वेश्चन से और भी अच्छे समझ में आएगा। देखिए क्या है इसमें, ये इस तरीके की हमारी आकृति है, तो देखिए ये वाली आकृति है, गोले को छोड़िए, अभी आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है ना, गोले को छोड़िए, पहले हम त्रिभुज पे ध्यान देते हैं, जो त्रिभुज है वो इधर ओपन होगी तो ये कहां से बन जाएगी, ये इस तरीके से यहां पर बन जाएगी, ठीक है, ये ऐसे ही ऊपर जाएगी तो ऊपर भी आपकी बन जाएगी, ठीक है, ऊपर भी आपकी बन जाएगी। तो पहले इसमें देखते हैं, पहले यहां पर देखिए इसमें है नीचे ऊपर है नहीं है, इसमें ऊपर नीचे है बिल्कुल है, लेकिन इसमें देखिए क्या है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, देखिए क्या है, ये हमारी इस तरीके से बन रही है और इसमें क्या है, उल्टी बन रही है, इसमें कैसे बन रही है, इसमें ऐसे बन रही है, और हमारी इसमें कैसे बन रही है, इसमें हमारी त्रिभुज इस तरीके से बन रही है। इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में अंतर समझ में आया, और बताता हूं अच्छे से, देखिए ये उल्टी त्रिभुज है वो सीधी त्रिभुज है, तो यहां पर आपकी उल्टी त्रिभुज बनी हुई है और यहां पर हमारी सीधी त्रिभुज है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें त्रिभुज बनी नहीं रही तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब बच गया कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बच गया, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना किस वजह से हुआ है, फिर से रिपीट करवाता हूं। देखिए त्रिभुज पे आपको ध्यान देना है, बाकी गोले तो आपको पता है कि सभी में आठ गोले हैं, ठीक है, क्योंकि दो इधर है, दो इधर होंगे, दो इधर होंगे, दो इधर होंगे, आठ होंगे, ठीक है, बस पोजिशन का फर्क होगा, वो हम बाद में चेक कर लेते हैं अगर एक जैसे होते तो। अब यहां पर त्रिभुज, हमारी त्रिभुज पे ध्यान देना हमें, तो त्रिभुज ऐसे है तो ये भी इधर आके ऐसे ही बनेगी सेम, ठीक है, इस तरीके से ही, ठीक है, ये वाली आपकी बन जाएगी ना कि ये वाली, और इसमें क्या है, ये वाली है उल्टी है, तो ये नहीं होगा। बस दो में तो कंफ्यूजन ही नहीं था, दो में कंफ्यूजन था वो आपका दूर हो गया होगा। आगे चलते हैं, इसमें बताना है इसमें क्या होगा,
ठीक है, ये त्रिभुज नहीं है, इस बार मोड़ के है ये, इसको त्रिभुज मत समझा करो, ये क्या है, ये मोड़ के मोड़ने पर बनी हुई आकृति है। तो इसमें आप समझेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को समझेंगे कैसे, देखिए ये है, इसको इधर ओपन करेंगे तो ये भी इसके बिल्कुल पास में आ जाएगा। तो सबसे पहले नीचे वाला चेक करते हैं, नीचे होने चाहिए दो और बिल्कुल पास में होने चाहिए। तो इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, अब इसमें है और इसमें है। अब इसमें देखिए क्या है, इन दोनों में से क्या अंतर है, दोनों टच में होंगे, ठीक है, बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल इसके पास में थोड़ा सा गैप है और इसमें बहुत ज्यादा गैप हो गया, ये नहीं हो सकता, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमें चेक करना होता है। आगे देखिए इसमें हमें बताना है, ठीक है, ये तो सेम है, ये तो सेम है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, चलो बता देते हैं, इसको बताते हैं क्या है, यहां पे हुआ, इसको मोड़ के इधर किया गया, फिर इसको मोड़ के इधर किया गया और फिर यहां पर ये पांच गोले बनाए गए। थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको गोले अच्छे से दिख जाएं, पांच गोले यहां पर आपके बनाए गए हैं। अब क्या बनेगा, अब देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर जो पांच गोले बने हैं ये नीचे आएगा तो नीचे भी सेम टू सेम बनेगा, इधर भी, फिर ये दोनों इधर आएंगे तो इधर भी बनेगा सेम टू सेम, और उसमें पांच गोले, इधर भी सेम टू सेम, उसमें पांच गोले, यहां पर ये लाइन ही नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं कि ये पार्ट इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, और ये ऊपर से थोड़ा गैप करके पांच पांच होगा। तो देखिए क्या है, यहां पर ये है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, मैंने इस तरीके से किसमें है, इसी में है, तो पांच गोले देखिए यहां पर इस पार्ट में बन रहे हैं, पांच इसमें बन रहे हैं, पांच इसमें बन रहे हैं, पांच इसमें बन रहे हैं, तो चारों में पांच पांच बनेंगे। यहां पर भी मैंने आपको बताया था कि चारों में क्या बनेंगे, पांच पांच बनने वाले हैं, ठीक है, चारों में पांच पांच बनने वाले हैं, वही आपका बना है, कौन से, ऑप्शन नंबर बी में आपके बन रहे हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, ध्यान से समझ लेना, फिर से समझ में नहीं आया तो रिपीट करवा देता हूं, समझ लेना। ऐसा था, ये नीचे बनेगा, फिर इधर बनेगा, इधर बनेगा, तो इनमें किसी में नहीं था, इसमें था, ठीक है, क्योंकि पूछने वाला हूं इसलिए मैंने आपको दोबारा बताया। इसको देखिए, अब इसका आंसर आपको करना है, मैं नहीं बताने वाला, आंसर करिए। क्या हुआ कि यहां से मोड़ के इधर से काट दिया गया, यहां पर काटा गया, इसमें चार है, अब क्या होंगे, इसमें भी चार बनेंगे गोले, इसमें भी चार गोले बनेंगे, इसमें भी चार गोले बनेंगे। अब आंसर आप कमेंट कर देना कौन सा ऑप्शन है, दिख गया होगा, जो चैंपियंस होंगे ना उनको तो दिख गया होगा, क्योंकि जो चैंपियंस हो है ना उनकी नजर चल गई होगी इस पे, ठीक है। अब देखते हैं कितनी आपकी तगड़ी नजर है, कितने आप तगड़े चैंपियंस हो, देखना कमेंट करके बताना। अब एक अगली टाइप देख लेते हैं, यहाँ पे बाई चांस क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बाई चांस 1% चांस है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाए जो अब टाइप करने वाले हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारा टारगेट है कि रीजनिंग में 25 में से 25 स्कोर करना है, तो बाई चांस अगर 1% भी पूछा लिया गया तो एक नंबर आपका कटना नहीं चाहिए, इसलिए ये टाइप भी करवा रहा हूं, बस दो ही क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है, बिल्कुल ईजी, इसमें कुछ करवाने वाला भी नहीं है। देखिए क्या है कि ये आकृति बनी हुई है और हमें बताना है कि इन चारों आकृतियों में ये आकृति सेम आकृति, ये आकृति सेम कौन से में है, सेम एज इट इज कौन से में है। देखिए ऐसी आकृति इसमें नहीं होगी क्योंकि नीचे गोला पर जो डार्क किया गया है, इसमें भी डार्क किया गया है, ये नहीं होगा। थोड़ा जूम कर देता हूं अगर नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, इसमें, अब इसमें देखेंगे तो यहां पर देखिए ये आपस में अटैच है, यहां पर देखेंगे ये आपस में अटैच नहीं है तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सेम आकृति है इसकी, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है, चेक कर सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम है, यही पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और करवाता हूं इसका, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। इसका बताना है कि ये वाली आकृति है, इसका सेम कौन सी में है। तो देखिए क्या है कि ये एक है, यहां पर दो डार्क है तो नहीं होगा, इसमें दो डार्क है तो नहीं होगा। अब यहां पर देखिए ये इसमें है, ये क्या है कि आपका जो आधा पार्ट है, आधा पार्ट है उसके इस वाले पार्ट में डार्क किया गया, इधर वाले पार्ट में, तो ये आधा पार्ट हो गया, इसमें इधर वाले पार्ट में डार्क है तो मतलब ये नहीं होगा, ये इसका आधा पार्ट हो गया, इस वाले पार्ट में डार्क चाहिए था तो ये हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेम टू सेम है, देख सकते हो, ये कॉन्स्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है, तो किसी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बात समझ में आ गई किस तरीके से हमने देखा है, बस सेम आकृति बतानी है, मतलब जैसी आकृति दी गई है वैसी आकृति बतानी है। तो एक क्वेश्चन आपसे भी पूछ लेते हैं, तीनों टाइप का एक क्वेश्चन पूछना बनता है। तो इसमें आपको बताना है जो ये आपकी आकृति बनी हुई है तो सेम आकृति इनमें से कौन सी है, सेम आकृति इनमें से कौन सी है, ठीक है, बिल्कुल इजी है ये, तो बिल्कुल ही इजी है, ठीक है, बिल्कुल ही इजी है, मैं आपको बताने ही नहीं चाहता, इतना इजी है कि आप इसको देखते ही कर दोगे, बस आप एक बार नजर डालोगे ना उसी समय कर दोगे। चैंपियंस वाली नजर डालना, वैसी नजर मत डालना, चैंपियंस वाली नजर डालना, आपको दिखते ही इसका आंसर आ जाएगा आपका,
ठीक है। तो चलिए आपकी क्लास को समाप्त करते हैं, उससे पहले देख लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं। हमारा जो टारगेट था 10K का वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, तो जिसने नहीं इंस्टाग्राम से जो स्टूडेंट नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाना, क्योंकि वहां पर हम लाइव आते रहते हैं, ठीक है, तो वहां पर जरूर जुड़ जाना। देखिए क्या है, साडे गुरुजी मेरी जान है ये, ठीक है, इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो इंस्टाग्राम पे, लगभग दिन की बहुत सारी स्टोरीज लग रही हैं, बहुत ज्यादा आप प्यार दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही प्यार करते रहिए। और जिसने इंस्टाग्राम से पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया कर लेना, और वहां पर परसों एक पीडीएफ और अपडेट हो रही है। और दोस्तों आज है वो, आज आफ्टरनून में एक वीडियो आने वाला है, जो आप सभी की प्रॉब्लम चल रही है ना, उन प्रॉब्लम को लेकर एक सॉल्यूशन आने वाला है, तो उस वीडियो को देखना मत भूलना। वो वीडियो आपको कितने बजे मिल जाएगा, आपको 12 बजे मिलने वाला है, ठीक है, 12 बजे आपको दोपहर में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, उसमें आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया है, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो वहां पर जुड़ जाना, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो वहां पर जुड़ जाना, क्योंकि वहां पर मैं नोट्स आपके लिए बनवा के डालता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है क्लिक करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ तो आप बिना कहे शेयर कर देते हो। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।